सो हे गाइज एंड वेलकम बैक टू अर न्यू अनदर वीडियो। एंड गाइज आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि गाइज अगर आप अपने WhatsApp को अपडेट करना चाहते हो तो गाइज आप अपने WhatsApp को अपडेट किस तरीके से कर सकते हो। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं। गाइज इसके बारे में हम आपको कुछ भी बताएं इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो गाइज अपने WhatsApp को जो है अपडेट करने के लिए सबसे पहले जो है गाइज आपको करना क्या होगा, हर एक मोबाइलों में जो है गाइज प्ले स्टोर ज़रूर जो है अवेलेबल होता ही है, तो आपको आपके भी मोबाइल के अंदर जो है गाइज कहीं ना कहीं प्ले स्टोर ज़रूर होगा। तो आपको अपने प्ले स्टोर ऐप के ऊपर जो है क्लिक करना है और आपको जो है प्ले स्टोर ऐप के अंदर कुछ इस तरीके से आ जाना है। जब आप प्ले स्टोर के अंदर आ जाओगे तो गाइज आपको सर्च बार के अंदर जाना है। सर्च बार के अंदर जाने के बाद गाइज यहाँ पर सर्च बार में आपको लिखना है WhatsApp। WhatsApp जब कुछ इस तरीके से गाइज लिख दोगे, आप सर्च कर दोगे तो यहाँ पर आपको WhatsApp ऐप देखने को मिल जाएगा। आपको WhatsApp मैसेंजर के ऊपर जो है गाइज क्लिक कर लेना है। अब गाइज यहाँ पर नीचे के साइड में आपको जो है दो ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, पहला ऑप्शन है अनइंस्टॉल का और दूसरा ऑप्शन है ओपन का। तो गाइज यहाँ पर मुझे ओपन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है और गाइज जैसा कि आप देख सकते हो जहाँ पर मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर मुझे ओपन देखने को मिल रहा है, गाइज आपके मोबाइल की स्क्रीन पर जब आप प्ले स्टोर के अंदर जाओगे और अपने WhatsApp के ऊपर क्लिक करोगे तो गाइज यहाँ पर मुझे अभी इस वक्त ओपन का ऑप्शन दिख रहा है। आपको जो है गाइज वहाँ पर ओपन का ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा, आपको ओपन की जगह पर अपडेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। और जब आपको अपडेट का ऑप्शन देखने को मिले तो आपको अपडेट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और गाइज उसके बाद थोड़ी देर आपको जो है वहाँ पर इंतजार करना होगा। गाइज वहाँ पर एक प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी और जब तक वो प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक थोड़ी देर आप वहाँ पर इंतजार कर लेना। और जैसे ही वो प्रोसेसिंग पूरी तरीके से कंप्लीट हो और गाइज प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद जहाँ पर आपको पहले अपडेट का ऑप्शन देखने को मिल रहा था वहाँ पर अपडेट का ऑप्शन आपको नहीं देखने को मिलेगा बल्कि आपको ओपन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। गाइज अगर आपको ओपन का ऑप्शन देखने को मिले तो आप समझ जाना कि जो आपका WhatsApp है गाइज वो अपडेट हो चुका है। मुझे यहाँ पर ओपन का ऑप्शन दिख रहा है, अपडेट का ऑप्शन इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि गाइज मैंने ऑलरेडी अपने WhatsApp को जो है कुछ देर पहले ही अपडेट कर लिया था, इसलिए गाइज मुझे अपडेट का ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा, मुझे ओपन का ऑप्शन दिख रहा है। आपको जो है गाइज आपके प्ले स्टोर के अंदर अपडेट का ऑप्शन ही दिखेगा, आप अपडेट कर लेना, उसके बाद आपको भी ओपन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जब आपको ओपन वाला ऑप्शन देखने को मिल जाए तो गाइज इसका मतलब ये है कि आपका WhatsApp जो है अपडेट हो चुका है और उसके बाद गाइज आप अपने WhatsApp का इस्तेमाल जो है आप अपने हिसाब से कर सकते हो। सो आई होप कि गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। गाइज अगर आप इस चैनल पर नए हो और अभी तक इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि गाइज आने वाली हर एक वीडियोज़ आपको इसी तरीके से हर रोज़ देखने को गाइज इसी तरीके से मिलती रहे।